हेलो सजेटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लॉ में। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आए हुए यहाँ पर सितंबर मंथ की रीडिंग। ओके सो गाइस, आप सनमून साइन से ये रीडिंग देख सकते हो और ये कलेक्टिव रीडिंग है और आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। ओके सो थोड़ा सा साउंड का ये प्रॉब्लम है मेरा। ओके आवाज़ ठीक नहीं है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहां पर चार्जेस पता चल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आप स्पिरिचुअल जर्नी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, सोल पर्पज़ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है सेप्टेम्बर मंथ में। ओके उनके सोल लेवल पर क्या मैसेज है सैजिटेरियस के लिए सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। ओके अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। वाओ सो ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सैजिटेरियस पीपल। ओके इमेज योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। ओके सो यहाँ पर मे बी बहुत सारे सैजिटेरियस पीपल अवेकन हो चुके हैं या उनको यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है या स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चल रहा है कि उनका कोई सोल पर्पज़ है और आगे उनको बढ़ना है। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो आपके तरफ जो क्रिएटिविटी आ रही है, जो आपके तरफ एक एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या आपको फील हो रहा है समथिंग इन अंदर से कुछ फील हो रहा है आपको और आपको लग रहा है कि यस आपके लाइफ में समथिंग चेंजेस आ रहे हैं, आप अलग से फील कर पा रहे हो, तो यस डेफिनेटली आप यहाँ पर अवेकन हो रहे हो और आपको यहाँ पर नेचर इज़ कॉलिंग यू। ओके आपको नेचर भी बुला रहा है, आपको यहाँ पर ग्रीनरी में जाने की बहुत ज़रूरत है। इट वॉन्ट टू टच फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। ओके सो आपको हील किया जा रहा है। ओके आपको हील किया जा रहा है, आपका ग्रीफ होगा, आपका समथिंग जो भी होगा, पास्ट कर्मास होगा, एवरीथिंग यहाँ पर हील किया जा रहा है। ओके आपके तरफ एनिमल्स का अट्रैक्शन या समथिंग आप यहाँ पर उस तरह से एनर्जी रिसीव कर रहे होंगे। ओके सो टीयर्स डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्म्थ। ओके सो आपको वो प्यार मिल रहा है या वो फील आप कर पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, आपको मेडिटेशन या मेडिटेशन करना या यूनिवर्स पावर्स से जुड़ना या एंजल्स नंबर दिखना या बर्ड्स तितलियाँ समथिंग आपके पास में उस तरह से एनर्जी आपको फील हो रही है, ये आपको महसूस होगा। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये वही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर यस आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, आपकी एक नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जो कि आपको अर्थ के लिए, ओके अर्थ गाया के लिए यहाँ पर सर्व करना है, चाहे जो भी हो आपका सोल पर्पस। ओके आपको हील किया जा रहा है, आपके पेन को हील किया जा रहा है। ओके आपके दर्द जो भी था पास्ट लाइफ का, आपके कर्मा कार्मिक जो भी है, ये सब कुछ हील किया जा रहा है यहाँ पर, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके सजेटेरियस पीपल, थैंक यू सो मच डिवाइन। द लवर, मैंने कहा ना यहाँ पर अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके वो यहाँ पर अपने अपने पार्टनर के यूनियन में, ओके रियूनियन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरह की एनर्जी है। ओके फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको रास्ते मिलते जाएंगे। ओके आपको डिवाइन आपको रास्ते दिखाते जाएगा, उस रास्तों पर आपको आगे आगे बढ़ना है, आपकी टेस्ट होगी या जो भी होगा, ओके उसमें से आपको आगे बढ़ना है, जो कि आपके खुशियों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप जो चाहते थे, आपने जो मैनिफेस्ट किया था कि आपकी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो या सब कुछ एनवायरनमेंट हैप्पी हो, आप लोगों के लिए कुछ करें, आप सबके लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करें, यहाँ पर उस तरह से आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही है और आप उस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके सो आप उन जो जो रास्ते आपको मिल रहे हैं, जो जो आपको चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, यहाँ पर कहा जा रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, जिन लोगों ने आपको चीट करके गए हैं, जो लोग आपको हर्ट करके गए हैं, जो लोग आपको पेन करके गए हैं, ओके सो उनका रिवेंज उनको मिलेगा, बट आपको यहाँ पर आप सेफ हो, आप प्रोटेक्ट हो और आपकी लाइफ यहाँ पर बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है। ओके
इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है. सो ब्यूटीफुल एनर्जी है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और आपको आगे बढ़ते जाना है. जो जो आपको फील हो रहा है नेचर में जाइए, ओके, अपने आप को हील कीजिए, टच कीजिए, पेड़ को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए कि यस आप अपने आप को हील कर रहे हो और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है. इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है. ओके, सो आप एक हीलर भी बन सकते हो, या आप जो भी है आपको उस तरह से आपकी क्रिएटिविटी आपको पता चलेगी. ओके, सो इनर वर्क, इनर मिरर वर्क, ये आपको करने की बहुत ज़रूरत है. ओके, सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर चलता है कि आपका करियर सितंबर मंथ में आपका करियर की ग्रोथ क्या है, क्या मैसेज दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से. वाह, क्वीन ऑफ कॉइंस, सो आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है, या आप अबंडेंस के तरफ वन बाय वन स्टेप लेते जा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है. ओके, सो मैंने कहा ना, जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, जहाँ पर आप स्टक थे, वहाँ से आपको डिवाइन यहाँ से निकाल रहा है. ओके, सो क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करते हैं. पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मैंने कहा ना यहाँ पर कि यस आपको यहाँ पर उसी तरह की आगे लेकर जा रहे हैं. आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है, आपको कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए आपके पास में कुछ नॉलेज की ज़रूरत है. सो आपको वो गैदर करना है. सो आप यहाँ पर सितंबर मंथ में वो सब कुछ नॉलेज गैदर करोगे, जहाँ पर आपका अबंडेंस स्टार्ट होगा. सो आप एक स्टेप लोगे आगे इसके लिए, अपने करियर के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका वो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, जॉब हो, जो भी है, ओके, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी है, आप अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए एक स्टेप आगे जाओगे और आप यहाँ पर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले हो और जीतने वाले हो, सक्सेस होने वाला है. एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है. दैट मीन्स आपका करियर में एक ऐसा पड़ाव आ रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है. ओके, वो आपको खुद यहाँ पर, आप एनर्जेटिक रहोगे यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है कि करियर चाहे जो भी हो आपका, या कंटिन्यू आप कर रहे हो उसमें समथिंग कर, कुछ ना कुछ आप चेंज करने वाले हो. अपने आप में आप चेंज महसूस करोगे और आप एनर्जेटिक रहोगे. ओके, और कन्फ्यूजन से दूर रहोगे. आप क्या करोगे इस टाइम में, इस तरह की एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर स्टक हो जाओगे या वहाँ पर आप अपने आप को अपना इनर वर्क करोगे, अपने आप को ढूंढोगे कि एग्जैक्ट मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. उस तरह से आप अपने आप को, आपका टर्न करोगे, आपका डायरेक्शन टर्न करोगे और उस वे से आप आगे बढ़ने वाले हो. इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है. और यहाँ पर देखते हैं करियर के लिए कि क्या और बताया जा रहा है एक्शन में. यस, टेम्परेंस, आपको बैलेंस की ऊर्जा है. ओके, सो आपका एक्शन वही मैंने जो बोला है कि आपको मल्टीटास्किंग नॉलेज आना चाहिए. आपके पास में एक नहीं, आपके पास में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है. ओके, उसको आपको बैलेंस करते हुए उसके ऊपर वर्क करना है. यहाँ पर ये कहा जा रहा है, फिर से वही आया है कि आपको एक्शन उसी के तरफ लेना है जो आपके गुण हैं, जो आपके अंदर हुनर है, उसके तरफ. टेम्परेंस, प्लीज क्लैरिफाई द टेम्परेंस. और बहुत पीसफुल एनर्जी में रहना है, बहुत शांत रहना है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल. ओके, सो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि आपको थोड़ा सा अबंडेंस के लिए, अबंडेंस की तरफ तो बढ़ रहे हो, ग्रोथ तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, थोड़ा सा वेट होगा. ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा. मैं वही यहाँ पर बता रही हूँ आपको बार बार कि आपको यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है. आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है, ना कि आपको अप डाउन सबकी एनर्जी रखनी है कि मैं ये करूँ या वो करूँ. ओके, आपको स्ट्रांग बनना है और वो लोगों से आपको दूर रहना है जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोग आपको निगेटिव गाइडलाइन देते हैं, इन लोगों से आपको दूर रहना है. अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, आपको स्ट्रांग बनना है. ओके, आपको स्टबन की एनर्जी इसलिए रखना है कि आपको यहाँ पर जिद लगा कर बैठना है कि आपको क्या करना है उसके लिए आगे बढ़ना है.
ओके सो यहाँ पर जो डेविल का कार्ड आया है ये पॉजिटिव के लिए आया है, ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर डेविल यही बता रहा है कि आपको वो सब लोग हटाने हैं जो लोगों ने आपको आपका करियर में ऑब्स्टेकल्स खड़े कर दिए हैं, उन लोगों को आपको कट करना है और आगे बढ़ना है। ओके द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड जस्टिस वाव एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कहा मैंने, जो डेविल का कार्ड आया है ये पॉजिटिव के लिए आया है कि आपके लिए यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि उन लोगों से आपको एक डोर ओपन हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर आपके बिजनेस में इन्फ्लुएंस किया होगा या बिजनेस के लिए आपको तकलीफ दी होगी या सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए आपको मना किया होगा या जो भी आपके ग्रोथ में जो लोग ऑब्स्टेकल करके खड़े रह गए हैं, इनसे आपको दूर लेकर जाना है या इनसे आपको डिवाइन दूर लेकर जा रहे हैं और आप यहाँ से मूव ऑन हो रहे हो, उन लोगों से दूर जा रहे हो और अपने लिए एक क्रिएटिव ओपन करना है, यानी आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, इन लोगों की चिंता आपको नहीं करनी है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है क्योंकि आपने ये मैनिफेस्ट किया, आपने ये अफर्मेशन किया था पॉजिटिव कि मेरे ज़िंदगी में मेरा करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो और मैं कुछ अपना वर्ल्ड, अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करूं जिसको मैं दिखा पाऊं। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप देखो यहाँ से मूव ऑन हो रहे हो, यानी इन लोगों से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, अपने गॉड गिफ्ट जो आपको मिला है उस क्वालिटी को आप बूस्ट कर रहे हो, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो नाइन्थ मंथ में आप बहुत ब्यूटीफुल आगे बढ़ते हुए अपने करियर में दिख रहे हो और आगे ही बढ़ोगे, बस आपको जहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पर रुक जाइए, किसी को कुछ भी शेयर ना करें। ओके अपने आप को देखिए, अपने इनर वर्क को देखिए, अपने इनर चाइल्ड को देखिए और उसको क्रिएट कीजिए और आगे बढ़िए। सो आपका वहाँ पर सक्सेस ज़रूर रहेगा, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। फाइनल हम लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए कि आपके रिलेशनशिप नाइन्थ मंथ में कैसा रहेगा, सितंबर मंथ में। थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर एट ऑफ कप्स की। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस आपको सबके साथ में रिलेशनशिप जो भी है आपको आपको यहाँ पर चांस देने वाली है कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। यानी आपका यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है, यहाँ पर आपका आप लोगों से जुड़ सकते हो जो चाहते हो कि आप रिलेटिव हो चाहे जो भी हो, आप यहाँ पर एक साथ गैदर होते हुए नजर आ रहे हो। ओके एट ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स अगेन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना यहाँ पर आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप होने वाला है, आपकी रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रहेगी, आप जिनके भी साथ में शायद आपके सोलमेट बहुत जो भी है या रिलेटिव्स जो भी है, आप जो अपने आप को आज तक अकेला समझते थे शायद कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, शायद मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उस तरह से आपका यहाँ पर हील होने वाला है, आपके रिलेशनशिप जो भी है आपका हील होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं और आपका यहाँ पर उस तरह से लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आ रही है। सेल्फ लव में भी बहुत ज़्यादा आप आ रहे हो कि यस सेल्फ लव, आप अपने आप में भी यहाँ पर प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो कि यस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हो और पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो। सो रिलेशनशिप जो भी है आपके यहाँ पर ग्रोथ होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आपको उसके लिए पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर और देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए एक्शन क्या लिया जाएगा, डिवाइन क्या गाइडलाइन देते हैं। थैंक यू सो मच। एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर ना एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, ओके। आपके रिलेशनशिप में एक क्लियरिटी रखनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखने की बहुत ज़रूरत है, ओके। सो कौन चीट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है या किस तरह की एनर्जी रख रहा है, इसके तरफ आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत रहेगी, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, द हैरोफंट एंड द फूल। यस, मैंने वही कहा, यहाँ पर है अपने डिजायर्ड लव के लिए एस ऑफ कप्स। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको यही कहा जा रहा है, मैंने यहाँ पर यही कहा आपको वही कि अगर आपके जो भी रिलेशनशिप है, अगर ये पर्सन, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको क्लियर रखने की ज़रूरत है कि आपका और उनका कम्युनिकेशन क्लियर रहे, ओके। और आप यहाँ पर क्लियरिटी से बात करें कि अगर आप हाई लेवल कमिटमेंट देते हो मैरिज के लिए, अगर आगे बढ़ते हो तो ठीक है, नहीं है तो उस तरह से हमें चीट ना किया जाए या हमें उस तरह से फंसाया ना जाए, वहाँ से आपको ब्रेकअप लेने की भी ज़रूरत रहेगी अगर आपको कोई चीट कर रहा है। जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है गाइज, ओके। सो यहाँ पर उस तरह से क्लियर रखना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है कि बहुत सालों से या बहुत महीनों से ये रिलेशन चल रहा है बट उसको आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है। अगर आगे ग्रोथ मिलती है तो ही ये रिलेशनशिप, या हाई लेवल कमिटमेंट देते हैं तो ही ये रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उस तरह से गाइडलाइन आ रही है, आपके डिज़ायर लव के लिए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आप जो आप फुलफिलमेंट चाहते थे कि यस मुझे वो प्यार मिले, यहाँ पर इस तरह से तो एनर्जी आ रही है कि यस आपको यहाँ पर आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बॉन्ड होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी एक अलर्टनेस यहाँ पर आ रहा है कि अगर ये रिलेशन कंटिन्यू आगे ग्रोथ करता है तो ही यहाँ पर ये रखना है, अदरवाइज यहाँ से मूव ऑन होना है, ओके। ये एनर्जी आ रही है, अगर कोई आपको चीट कर रहा है, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, कि आपको क्लियर बात करने की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है कि अगर ये रिलेशन आगे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है या कुछ भी है, इसको क्लियर कीजिए, ओके। इल्यूजन में ना ट्रैप होना है आपको, इल्यूजन में ट्रैप नहीं होना है, ओके। इल्यूजन में नहीं रहना है, अपने आप को उस वे से बाहर निकलना है कि यस अगर मैं सिर्फ इल्यूजन लेकर ही बैठ रहा हूँ तो है क्या ये रिलेशनशिप, ओके। कभी ऑन ऑफ अगर चल रहा है तो इसको यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है और उस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर है, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो फाइनल यहाँ पर हम एंजल्स के तरफ से गाइडलाइन लेते हैं कि एंजल्स के तरफ से यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। इस सिचुएशन के लिए एंजल्स क्या गाइडलाइन दे रहे हैं? मैनिफेस्टेशन, ओके। जो मैंने यहाँ पर कहा है कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये टाइम चल रहा है, अवेट यू योर विश कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज, ओके। सो जो शायद आपने मैनिफेस्टेशन किया था करियर के लिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, या चाहे अपने अपने लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आ रहा है, सरप्राइज, ओके। आपके तरफ एक सरप्राइज आ रहा है, ओके। सो डिसअपॉइंटेड अपॉइंटमेंट विल बी द फॉलो बी बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग अ लव टू दोज सर्चिंग, ओके। जो लोग यहाँ पर अपने नए विजडम के लिए, अपने नए प्यार के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, अपने डिजायर के लिए, ओके। सो यहाँ पर उस तरह से आपको टर्न किया जा रहा है, आपके जीवन में एक सरप्राइज आ रहा है रिलेशन प्यार के लिए, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है, यहाँ पर है कि टू फोकस ऑन द पास्ट टू लॉस द फ्यूचर, ओके। सो हिड एडवाइस फ्रॉम द ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन, ओके। जो मैंने आपको कहा है कि अगर कोई लोग आपको चीट या मैनिपुलेट या जो भी कर रहे हैं, इनसे आपको कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि वो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा ना यहाँ पर अलर्ट, कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि अगर यहाँ पर क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो क्लियरिटी लेकर आपको
ये सिचुएशन से मूव ऑन भी करने की बहुत ज़रूरत है. ओके सो ये मैसेजेस आपके लिए हैं एंजल्स और डिवाइन के तरफ से. सो गाइस यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है और आपके आपके लिए उस तरह से गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको आपके ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है और ग्रोथ की तरफ जाना है. ओके सो अपने लिए जीना है, अपने विजडम के लिए जीना है. सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्होंने ज़रूर रखना है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद.